हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा लेसन है जिसमें कभी कभी बहुत मुश्किल सवाल भी आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें कुछ ऐसे सिंपल फॉर्मूले हैं जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हम 5 ऐसे सवाल देखने वाले हैं जिनका एग्जाम में एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आने का मैक्सिमम लाइकलीहुड है। तो इस सवाल में आपको पूछा गया है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज गिवन 355 777 9999, कितने नंबर दिए गए हैं आप गिन के देख लो, 10 नंबर दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि इस 10 में से एक नंबर में उठाऊं, क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर इस सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स का एवरेज के बराबर है। अब सबसे पहले इसके लिए हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम है 3 + 10 = 13, 13 + 21, क्योंकि 3 × 7 विच इज 34, एंड 34 + 4 × 9 विच इज 34 + 36 = 70 के बराबर है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप गिन सकते हो, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो एवरेज है 7। तो ये सवाल में आपको पूछा गया है कि अगर मैं एक नंबर निकालूं, क्या चांस है कि वो नंबर 7 है। तो प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब 7 होने के 3 ही पॉसिबिलिटी है, तो वो 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 ऑप्शंस है हमारे पास एक नंबर चुनने के लिए, वो 10 है। So the answer is 3/10 or 0.3. So whichever corresponds to 3/10 or 0.3 is the correct option in this case. तो इस सवाल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। यू आर asked टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक नॉन लीप ईयर में 53 संडेज होने का क्या चांस है। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉन लीप ईयर होता क्या है। नॉन लीप ईयर में हम जानते हैं 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब 365 डेज का मतलब है 52 × 7 विच इज 364 डेज, तो इतने हफ्ते तो होंगे ही, और एक एक्स्ट्रा डे बचा होगा। दिस इज व्हाट विल हैपन। अगर मेरे पास 52 वीक्स हैं किसी साल में, तो 52 संडेज तो होंगे, करेक्ट। अब 53 संडेज तभी होंगे अगर वो एक्स्ट्रा डे भी संडे होगा। अब एक्स्ट्रा डे होने के कितने चांसेस हैं, देयर आर 7 पॉसिबल डेज। ये वो एक्स्ट्रा डे संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। तो ये 7 पॉसिबिलिटीज में, सो दिस एक्स्ट्रा डेज है 7 ऑप्शंस व्हिच इज द 7 डेज ऑफ द वीक। इसमें संडे होने का एक ही ऑप्शन है, व्हिच मींस 53 संडेज के लिए वी हैव टू चूज दैट द एक्स्ट्रा डे हैज टू बी अ संडे। तो इन 7 ऑप्शन में से 1 फेवरेबल ऑप्शन ही है जो संडे होगा, हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 संडेज इज 1/7। तो किसी भी नॉन लीप ईयर में 53 संडेज, 53 मंडेज, कोई भी डे ऑफ द वीक 53 अगर होना चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज 1/7, विच इन दिस केस इज ऑप्शन डी। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। यहां पे हम एक डाइस नहीं, एक पेयर ऑफ डाइस साथ में थ्रो करते हैं, राइट, सिक्स साइडेड डाइस, इसे दो साथ में थ्रो करते हैं, और हमको बताना है कि वो जो दोनों डाइस पे जो नंबर आते हैं उनका सम परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका पॉसिबिलिटी क्या है। और सबसे पहले सोचो, अगर हम दो डाइस थ्रो कर सकते हैं, करते हैं, तो मिनिमम सम 2 होगा, 1 और 1 दोनों में आएगा, 1 तो कभी सम ऑफ नंबर हो ही नहीं सकता, और मैक्सिमम 12 होगा। So, जो भी सम है 2 और 12 के बीच में होगा, राइट, बिकॉज मिनिमम नंबर्स दोनों में 1 और 6 हैं। सो दो डाइस का सम 2 और 12 के बीच में होगा। अब 2 और 12 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं? वी नो दैट देयर आर ओनली 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, 4 और 9। तो हमको बेसिकली ये निकालना है कि थ्रो करने पे कितने पॉसिबिलिटीज में सम 4 आता है और कितने में 9 आता है, राइट। सो नाउ अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, वी बेसिकली नीड फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, सैंपल स्पेस, दैट्स व्हाट वी नीड, राइट। अब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? अब मान लो पहले डाइस में डाइस 1 में 1 गिरता है, दूसरे में 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी गिर सकता है, 4 भी गिर सकता है, 5 भी गिर सकता है। डाइस 1 में 2 गिरा, उसमें भी 6 पॉसिबल आउटकम्स है,
तो ऐसे छह पॉसिबल डाइस वन के पॉसिबिलिटी के लिए, हर एक के लिए छह पॉसिबल डाइस टू के आउटकम्स हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6 × 6, क्योंकि हर डाइस वन के लिए छह दूसरा पॉसिबिलिटी है। सो द टोटल इज नथिंग बट 36 फॉर टू डाइस, राइट? सो टोटल नंबर इज 36। अब फेवरेबल कितना है? फेवरेबल वो है जिसमें सम 4 और 9 होता है। 4 सम कभी होगा? 4 इज आइदर 1+3 या 3+1 या 2+2। तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, करेक्ट? देन 9 कब हो सकता है? 9 इज बेसिकली अगेन 1+8 तो नहीं हो सकता, 2+7 भी नहीं हो सकता है, 3+6, 4+5, 5+4 और 6+3। सो द टोटल पॉसिबिलिटीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सात पॉसिबिलिटी है जहां पे सम आ जाता है 4 या 9, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 7। सो द प्रोबेबिलिटी इज 7/36। सो द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 7/36। तो इस सवाल में आपको पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यह पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन में कैन नेवर बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब सबसे पहले आपको द की कॉन्सेप्ट हियर इज, किसी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%, और 0 से ऑब्वियसली कम नहीं हो सकता, या तो वो हो ही नहीं सकता या होगा तो 100% प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट हियर। तो आपको चारों ऑप्शंस में ये देखना है कि जो भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं है, और 0 और 1 इंक्लूसिव है, वो ऑप्शन कभी किसी का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट ऑप्शन डी, जहां पे 1.6 दिया गया है, इज ग्रेटर देन 1, जो कभी किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता। हेंस द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी, 1.6। सो इस सवाल में आपको पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट है जो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। अगर वो इम्पॉसिबल है, कभी फेवरेबल आउटकम होंगे ही नहीं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 0 होगा। सो दिस इज 0/n total, विच इज नथिंग बट 0। एक इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो 1 किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है? एक सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। यहां पे आपको पहले 50 नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर को पिक करने कहा जाता है और आपको बताना है कि क्या चांस है कि ये नंबर या तो 3 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है। सो नाउ सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। हम टोटल केसेस हम जानते हैं 50 है, क्योंकि 50 में से एक नंबर निकालना है हमें। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन 50 इज द प्रोबेबिलिटी। अब फेवरेबल केसेस या तो 3 का मल्टीपल हो सकता है या 5 का मल्टीपल हो सकता है। सो लेट्स नाउ लिस्ट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर इन द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। सो 3 के हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। इसके आगे वो 50 से ज्यादा हो जाता है। सो ये 3 के पॉसिबिलिटीज हैं। 5 के हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50, करेक्ट? फर्स्ट 50 में 50 भी आता है। अब यहां पे देखें, हम गलती से अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर आंसर गलत आएगा। देयर आर सम कॉमन टर्म्स हियर। हम देख सकते हैं 15 दोनों के लिस्ट में आता है, 30 भी दोनों के लिस्ट में आता है। सो दीज नंबर्स वी डोंट हैव टू काउंट ट्वाइस, उनको एक ही बार काउंट करेंगे तो इस लिस्ट में से हम निकाल देंगे। सो डोंट फॉरगेट टू डू दिस। अब इस लिस्ट में कितने नंबर्स हैं? यहां पे 3 से 48 तक 16 नंबर्स हैं, बिकॉज 3 16s are 48, एंड 5 से 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सो देयर आर 24 नंबर्स विच आर आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और अ मल्टीपल ऑफ 5, और वो पहले 50 नेचुरल नंबर में आते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी इज 24/50, विच बेसिकली टर्न्स आउट टू बी 12/25।
अगर आपने 15 और 30 को गिन लिया होता तो आपको 13 अपॉन 25 आता, विच वुड बी द रॉन्ग आंसर. सो प्लीज मेक श्योर दैट ऐसे केसेस में आप एक्स्ट्रा काउंटिंग ना करें. अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें. और जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को रिव्यू जरूर करें.